तेलंगाना के रायथू संगम जिला के अध्यक्ष बंदी रमेश ने सरकार को नायक कुंडुम से कुसुमंची मंडल के पुनकेल तक बाईपास सड़क न बनाने का आरोप लगाया है। सर जानकारी के अनुसार नायक कुंडुम में रहने वाले 470 किसानों को यह बाईपास सड़क प्रभावित करेगा। नायक कुंडुम के किसानों के साथ संगम के प्रतिनिधियों ने जिला मुख्यालय में एक रैली की और खम्मम के जिला कलेक्टर डीएस लोकेश कुमार को एक ज्ञापन भी प्रस्तुत किया है। इस अवसर पर बोलते हुए रमेश ने कहा है कि नायगुंडुम से पोनेकल तक बाईपास रोड बिछाने के साथ नायगुंडुम के किसान को एसआरपी पानी के साथ 670 एकड़ की खेती कर रहे हैं, उनकी आजीविका खो देंगे और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करेंगे। उन्होंने कहा, कई किसान जो बोरवेल और ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से अपनी भूमि की खेती कर रहे हैं, वे अपनी आजीविका खो देंगे और बाईपास सड़क के निर्माण के साथ अपने परिवार के सदस्यों के साथ सड़क पर आ जाएंगे, उनके लिए ये उपयोगी नहीं रहेगा। कुछ प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं द्वारा दबाव डालने के कारण बाईपास सड़क निर्माण उठाए जाते हैं, जो नायगुंडुम या पोनेकल गांव के लोगों के लिए आवश्यक नहीं है। उन्होंने सरकार से बाईपास सड़क के निर्माण के प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की है और नायगुंडुम से पोनेकल तक मौजूदा सड़क को चौड़ा करने का सुझाव भी दिया है, जो किसी भी किसान को प्रभावित नहीं करेगा और सभी के लिए स्वीकार्य भी होगा।